नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और ये है मेरा इस हफ्ते का फिल्म रिव्यू। रेड चिलीज प्रोड्यूस और सुजॉय घोष डायरेक्टेड बदला, जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है, बदले की कहानी है। मगर साथ ही में ये कहानी है सच और झूठ की, बल्कि आधे सच और आधे झूठ की। इस आधे सच और आधे झूठ की गुत्थी में उलझी है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नैना सेठी यानी तापसी पन्नू, जो इस वक्त पुलिस की निगरानी में है क्योंकि उस पर खून का इल्जाम है। नैना का वकील जिमी यानी मानव कॉल अपनी दोस्त के लिए अपने से भी काबिल लॉयर बादल गुप्ता यानी अमिताभ बच्चन को हायर करते हैं, जिन्होंने अपने 40 साल के करियर में एक भी केस नहीं हारा। फिल्म क्राइम के बारे में है, मगर कोर्ट कचहरी से दूर लॉयर और क्लाइंट सारी बातें क्लाइंट के घर पर करते हैं। फिल्म का माइनस, कहानी सिर्फ दो किरदार और दो लोकेशंस पर फोकस करती है, इसलिए एक हद के बाद बहुत सीरियस और स्ट्रेन्यूअस बन जाती है। फिल्म में बहुत सारे फ्लैशबैक्स और फ्लैश फॉरवर्ड है, जो अगर ध्यान ना दो, कंसंट्रेट ना करो, तो कंफ्यूजिंग बन जाता है। फिल्म का प्लस, फिल्म का टाइट स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और सस्पेंस इसे एंगेजिंग बनाती है। फिल्म की एडिटिंग, म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्टर सुजॉय घोष की एक्सपर्ट स्टोरी टेलिंग। बदला आज की कहानी है, मगर महाभारत का संदेश देती है कि माफ करना अच्छा है, मगर बदला लेना भी जरूरी है। इसमें कौरव के राजा धृतराष्ट्र है, उनके साथ ही संजय, द्रौपदी है और सबको न्याय दिलाने वाले भगवान कृष्ण। सारे परफॉर्मेंसेस इफेक्टिव है, मानव कॉल, तापसी पन्नू, अमृता सिंह, बट फाइनली द फिल्म बिलोंग्स टू लॉयर अमिताभ बच्चन। बादल गुप्ता अपने क्लाइंट से बार बार तीन मुद्दों का जिक्र करते हैं, ट्रूथ, डिटेलिंग और होमवर्क, और ये नजर आता है उनके अपने परफॉर्मेंस में। एज एन एक्टर उनका होमवर्क परफेक्ट है, फिर वो कॉस्ट्यूम हो, एक्सप्रेशंस हो, बॉडी लैंग्वेज, सारे प्रॉप्स जैसे उनके फाइल्स, नोटपैड, पेन, जॉटिंग्स, उनका गुस्सा, उनकी मुस्कुराहट और टाइमिंग, ये सब कुछ सुपरबली सिंक्रोनाइज्ड है। बदला को आप यूं ही पॉपकॉर्न खाते हुए, मोबाइल पर बात करते हुए नहीं देख सकते हो। अगर ऐसा किया, ध्यान नहीं दिया, कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, तो कहानी आपके नजरों के सामने आपसे छूट जाएगी। बदला को बिग रेटिंग्स मिलते हैं 3 स्टार।